वेलकम टू ग्लोब जामुन। और आज हम एक मूवी की रिव्यू करने जा रहे हैं। रिव्यू तो मैं कह नहीं सकता कि रिव्यू के लायक हूँ कि नहीं, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, पर मैंने एक आर्टिकल देखा। हम अपने चैनल में रिव्यू करते भी नहीं हैं। मैंने एक आर्टिकल देखा जहाँ एक नई रिलीज़ मूवी को, आज ही रिलीज़ हुई है, उसे वन वन स्टार दिया गया। तो मुझे लगा भाई आखिर है क्या ऐसा कि इतना कम स्टार क्यों मिला किसी मूवी को। वैसे भी जैसा चल रहा है ये बॉलीवुड और ये सब जो भी है फिल्म लाइन जो भी इसमें चल रहा है, तो मुझे लगा भाई कुछ तो इंटरेस्ट ग्रैब किया मेरा कि भाई चलो देखते हैं क्या है। तो जब मैंने वो मूवी देखी खुदा हाफिज़, तो मुझे लगा ये वन स्टार किसने दिया है, मतलब आखिर वो एक फिल्म क्रिटिक है कि क्या है, वो दलाल है, एजेंट है किसी का, नहीं चाहता है भाई वो कि आगे बढ़े यार ये जो भी है आदमी है। तो मूवी में होता क्या है कि मूवी कंप्लीट रियलिस्टिक है, काफ़ी रियल बनाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि इतनी डिटेलिंग है मूवी में कि जो 2009 में 8-9 में रिसेशन हुआ वो दिखाया गया है। इवन जो काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उस पर डिटेल दी गई है, जो होता है एजेंट्स जो बाहर बाहर देश के बाहर जाते हैं, होता है ऐसा, होता है जैसा मूवी में दिखाया गया वैसा होता है, पॉसिबल है ऐसा? ठीक है किसी कंट्री का नाम ओमान से नोमान कर दिया गया है, ऐसा कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता जैसा नोमान उसमें दिखाया गया है। और सब डिटेलिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेहनत की है भाई, कितने दिन शूटिंग किया होगा वो आदमी। 2 घंटे की मूवी पूरी फॉरेन में शूट है, कुछ पोर्शन लखनऊ का दिखाया गया हल्का फुल्का, काफ़ी मेहनत किया भाई जो भी किया है, उसके साथ साथ जो क्रू जाती है वो सब भाई, और लास्ट में आप OTT में रिलीज़ कर दे रहे हो मूवी को, तो मेहनत तो लगी है, पैसा भी लगा है, जिसका भी लगा है जैसा भी किया है भाई, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, सच बता रहा हूँ। वो सब सब अच्छा, अपनी जगह पर सब अच्छा है। मेन USP था इस मूवी का वो था एक्टर भाई। अब इस एक्टर को, विद्युत जामवाल को, आप जानते हो स्टंट के लिए भाई काफ़ी top 10 डेंजरस मैन इन द वर्ल्ड, अभी कुछ वो व्लादिमीर पुतिन के साथ कुछ उनको रखा गया है किसी मैगजीन में, तो मैगजीन में भी नहीं जाना चाहता हूँ, वो कैसे देते हैं क्या देते हैं आप सब जानते हो। पर हाँ फेवरेट एक्टर भाई विद्युत जामवाल अपना, और साथ में स्कॉट एटकिंस, माइकल जे वाइट, इनकी कैटेगरी का स्टंट आर्टिस्ट भी है, मार्शल आर्टिस्ट भी है वो, डोनी एन और इको वाइस वैसा कुछ मार्शल आर्टिस्ट भी है। और जैसे हॉलीवुड में इनको वो मिलता है, स्टेटस है इनकी, उतना मेन स्ट्रीम नहीं रहते हैं इनकी मूवीज़, जैसे वो मार्शल आर्टिस्ट की मूवी उतनी मेन स्ट्रीम नहीं रहती है, वहाँ पर उतनी पॉपुलर भी नहीं है, उनका कुछ अलग ही सेक्शन चलता है, पर वैसा नहीं है, विद्युत इन सबसे आगे है, अलग है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम भाई काम कर रहा है, एक्टिंग बहुत अच्छी की भाई, बहुत ही अच्छी एक्टिंग है। आप काफ़ी दिनों बाद मुझे थोड़ी सी रियलिस्टिक एक्टिंग लगी किसी के अंदर, जैसे आप इरफान खान, के और विजय राज ये सब में एक्टिंग देखते हो बहुत ही ज़्यादा रियल करते हैं एक्टिंग, कोई बनावट नहीं कुछ नहीं, लग रहा है कि हाँ भाई ये इंसिडेंस उसके साथ हो रहा है, उसने दिखाया है कुछ सीन्स तो सच में बहुत फाड़ू बोल सकते हैं आप, वो एक शब्द है जिसे मैं ये फाड़ू शब्द यूज़ कर रहा हूँ एक्टिंग के लिए, लग रहा है अरे सच में यार इसके साथ हो रहा है। फिर आप दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हो कि ये आदमी स्टंट आर्टिस्ट है, इसको ऐसी मूवीज देते हैं जिसमें 6 फुट ऊपर छलांग लगा रहे हो, आप पार्कोर कर रहे हो, आप फ्लिप मार रहे हो, ऐसी मूवीज दे रहे हो, ठीक है वो भी अच्छा है, वो भी इसके उस फील्ड में भी इसके जैसा कोई नहीं है इस एक्टर जैसा। और एक्टिंग तो मेरे ख्याल से जैसा भी आपके मेन स्ट्रीम में भी एक्टर्स हैं, नाम नहीं लूँगा, वो भी ऐसे एक्टिंग कर सकते हैं, काफ़ी रियलिस्टिक एक्टिंग, बहुत ही अच्छी लगी। मैं नॉर्मली ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखता हूँ, टाइम भी नहीं रहता, पर आज जब वो क्रिटिक्स और रेटिंग वैसा देखा मुझे समझ में आ गया था कि क्या है, क्यों दिया जा रहा है वैसा रेटिंग। और बाकी इसके उस प्लॉट में भी नहीं जाना चाहता हूँ, वो जो आजकल लोग वो प्लॉट भी देख लेते हैं कि भाई इसमें इसको ऑफेंड किया, उसको ऑफेंड, इसमें किसी को ऑफेंड भी नहीं किया, सबसे अच्छी बात तो ये थी मूवी की, इसमें किसी किसी धर्म संप्रदाय किसी को भी ऑफेंड नहीं किया, सब सही था, बहुत परफेक्ट था, सारे पॉइंट्स क्लियर थे, परफेक्ट थे, सब सोच समझ के बनाया, कोई ऐसा एडवांटेज लेने के लिए भी नहीं बनाया कि भाई कुछ ऐसा दिखा दूँ मैं इससे एडवांटेज मिल जाए मूवी को, कोई कंट्रोवर्शियल मूवी भी नहीं थी, पता नहीं वन स्टार किसने दिया, क्यों दिया, अब आप लोग जाके जहाँ भी ये आप चेक करिएगा देखिएगा 1 स्टार भी मिला हुआ है, तो मैं खुद सरप्राइज हूँ इससे। और ये रिव्यू नहीं था, हमारे चैनल में हम रिव्यू नहीं करते हैं, फिर भी एक पर्सपेक्टिव है भाई, जहाँ गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, बोलना चाहिए था। और बाकी म्यूज़िक बहुत अच्छा था मूवी का, मिथुन शर्मा बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है भाई, वो एक दो सॉन्ग्स उसके तो शुरुआत में जब 2006 या 2007 में
मैंने सुने थे जब उसके सॉन्ग्स, तो मुझे लगा था ये आएगा, आगे जाएगा। बट फिर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई 2014-15 में। बहुत लिमिटेड मूवीज़ करता है वो, सॉन्ग करता है, लेकिन जो भी बनाता है बहुत अच्छा बनाता है, दिल से बनाता है, अच्छा लगता है वो मेलोडियस जो भी बनाते हैं, मेलोडी ही जैसा ही है। तो मिथुन शर्मा के म्यूज़िक के लिए भी एक थोड़ा सा नया था। और हाँ, बहुत दिनों बाद सोनू निगम की वॉइस एक सॉन्ग पे दिखाई, वो रिलेवेंट थे, सारे गाने रिलेवेंट थे, काफ़ी रिलेवेंट थे कि भाई हाँ इस जगह पे ऐसे ही सॉन्ग्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ना ऊपर ना नीचे, इतने गाने सही हैं, परफेक्ट है मूवी के लिए। कहीं भी बोरिंग नहीं लगा मुझे, कोई भी सीन बोरिंग नहीं लगा। हाँ, नवाब शाह, काफ़ी दिनों बाद मैंने नवाब शाह को देखा, अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टर है और बहुत अच्छा एक्टर है। और बस इतना ही था। हाँ, लेकिन ये ऐसा इरफान खान जैसे एक्टर्स, और वहाँ तक विद्युत को मैं रेट नहीं करता, वो तो भाई वो तो आज से नहीं कर रहे हैं। 1989 में मैंने देखा था शायद इरफान खान को सबसे पहले किसी उसमें पार्ट करते, फिर 1995-1994 में भी उस आदमी ने टीवी सीरियल्स में काफ़ी काम किया, काफ़ी अच्छा एक्टर था भाई। इरफान भाई जैसा एक्टर नहीं होगा, पर विद्युत टच कर रहा है वो उस एक्टिंग को, वो आदमी चाहता है ना, अपने खुद से चाहता है कि मैं वहाँ तक करूँ, मैं वो करना चाहता हूँ जैसा करके गए हैं बड़े बड़े लोग, उस वॉइड को रिप्लेस कर रहा है, उस वॉइड को फिल कर रहा है। तो इतनी मेहनत अगर कोई आदमी कर रहा हो, उसको आप सीधा एक रेटिंग दे देते हो बिना सोचे समझे। यार इतना कुछ चेंज हो रहा है पोस्ट कोविड एरा, कोविड चल ही रहा है अभी, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो गया है। सिर्फ ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, ये इसी सब में नहीं, लोगों की पर्सपेक्टिव में काफ़ी चेंज ऐसा आ गए हैं 6-7 महीने में। असली रिसेशन तो अभी आया है, मूवी ने 2008 दिखाया है, असली रिसेशन अभी आया हुआ है, काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। और उसमें भी आप झूठे बने रहोगे, आप फेक किसी से पैसा लिए, आप फेक रिव्यू दे रहे हो, अरे कितना फेक बनोगे? जनता सीरियस है, पब्लिक सीरियस है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, अब मूवी देखने का समय तो किसी के पास नहीं होगा अभी, सबको अपनी जॉब की लगी है, कैसे करें क्या करें। तो अगर आप देखते हैं मूवीज़ तो ज़रूर देखें, ये चेंज है। OTT प्लेटफॉर्म से जो मूवीज़ रिलीज़ हो रही, अब चेंज लाएंगे। मुझे लगता है कि इस आदमी को ज़्यादा काम मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, डिज़र्व करता है, जो मेहनत करना चाहता है उसे काम मिले, जो ये सोचता है कि भाई मुझे तो, मैं इतना स्टार हूँ, ऐसा वैसा हूँ, तो उसको अगर काम दे रहे हो और फिर लोग जा भी रहे हैं उसकी मूवी देखते, पता नहीं क्या मिल जाता है समय बर्बाद करके, पैसा बर्बाद करके, तो वो तो अनफेयर अनजस्टिस है। अब देख रहे हो आप क्या हो रहा है। तो बस इतना सा ही रिव्यू है मेरा, रिव्यू बोल लीजिए या जो भी है ओपिनियन या सजेशन जो भी है, कोई बहुत बड़े क्रिटिक नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी एक्टिंग की समझ है, अच्छी मूवीज़ की समझ है, बहुत मेहनत से बनाई है जिस भी डायरेक्टर ने बनाई है। एक्टिंग भाई मेहनत, ऐसा लगा है भाई उस आदमी का कि मेहनत किया है अपनी मूवीज़ पे, इस मूवी पे मेहनत किया है विद्युत जामवाल अपनी एक्टिंग पे, बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया है। बहुत सालों बाद मैं कोई अच्छी एक्टिंग वाली मूवी देख रहा हूँ। तो बस इसी के लिए आप जाइए, जाइए कहाँ, आप अपने मोबाइल पे देखिए डिज्नी हॉटस्टार पे।